नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेव आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइवेट एडवोकेट जो है वो स्टेट केसेस के अंदर अलाउड नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए और एग्जामिनेशन के लिए और ओरल आर्गूमेंट्स के लिए अलाउड नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये जो जजमेंट है वो 20 नवंबर 2019 की जजमेंट है, रेखा मुराका वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल की ये जजमेंट है जो कि 20 नवंबर 2019 को पास की गई थी, अनाउंस की गई थी। और ये जो अपील फाइल की गई थी वो हाई कोर्ट की जजमेंट थी 29/7/2019 की, कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसके अगेंस्ट ये अपील फाइल की गई थी। इसमें जो अपीलेंट थी वो एक विडो थी ज्ञान प्रकाश जी की, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है, एक्यूज्ड है, उसने 18/12/2015 को जो है उनके जो हस्बैंड हैं उनका मर्डर कर दिया था। और इसके अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई थी 302/326 आईपीसी में रेस्पोंडेंट के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि जो रेस्पोंडेंट है उसने बोला कि भाई नहीं, मैं जो है गिल्टी नहीं करता और मैं जो है ट्रायल फेस करने को रेडी हूँ। इसके बाद जो एप्लीकेंट है, जो रेखा जी हैं, वो एक एप्लीकेशन फाइल करती हैं अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 8 और 301 ऑफ सीआरपीसी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब ये जो 301 की बात हो रही है वो सीआरपीसी की बात हो रही है। उसमें ये प्रेयर करती हैं कि आर्गुमेंट्स के लिए, उसके अंदर ये प्रेयर करती है कि आर्गुमेंट्स के लिए और जो ऑब्जेक्शंस के लिए और एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो डिफेंस का जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा उसके लिए वो एक प्राइवेट एडवोकेट करना चाहती हैं, अपनी तरफ से हायर करना चाहती हैं और उनको जो ये है अलाउ किया जाए। तो जो सेशन कोर्ट होती है वो जो इसकी जो प्रेयर होती है उसको रिजेक्ट कर देती हैं और उनको ये लिबर्टी देती हैं कि आप रिटर्न आर्गुमेंट जो है फाइल कर सकते हैं, जो 301 सबसेक्शन 2 है सीआरपीसी का, उसमें आप रिटर्न आर्गुमेंट फाइल करने की लिबर्टी उनको मिलती है। इसके बाद जो है महिला है वो हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करती हैं और हाई कोर्ट जो है वो भी इस जो अपील है उसको डिसमिस करते हुए ये कहती है कि जो सीआरपीसी 225 है उसको हम 24 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी से डाइल्यूट नहीं कर सकते, उसको भी कंसीडर करना चाहिए, करना पड़ेगा। और जो प्राइवेट काउंसिल हैं वो जो हैं केस को हैम्पर कर सकते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस इतना ना हुआ या कुछ है, तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और आर्गुमेंट्स के लिए उनको अलाउ नहीं किया जा सकता। बाकी उनको असिस्ट करने के लिए जो है अलाउ करते हैं कि भाई आप असिस्टेंस दे सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। फिर जो है इसके बाद मामला पहुंच जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है तो जो अपीलेंट के जो काउंसिल होते हैं वो अपनी ये प्ली रखते हैं कि 301 302 सीआरपीसी कहीं भी 24 सबसेक्शन 8 को बार नहीं करता है, उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उसको बार किया जाए। और जो मल्लीनाथन कमेटी है 2003 में और माधव कमेटी है उसके अंदर भी जो ये चीज़ बताया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके पास काफ़ी काम होता है, बर्डन होता है, उस वजह से जो विक्टिम है उसको वो कहीं रह जाता है, वो अपनी पूरी बात नहीं रख पाता। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी इतने सारे केसेस होते हैं तो वो ध्यान नहीं रख सकते, तो इस वजह से जो है उसको प्राइवेट काउंसिल करने का, जो प्राइवेट काउंसिल का जो रोल है उसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए। लेकिन जो स्टेट के काउंसिल्स हैं वो इसके अंदर ये प्ली रखते हैं कि जो पीपी का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सीआरपीसी 225
को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, जैसा कि हाई कोर्ट ने भी कहा है 24 सबसेक्शन 8 में। और जो कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट के अनुसार के बाद, उसके बाद जो रिपोर्ट को देखते हुए 2009 में अमेंडमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है, जिसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो असिस्ट यूज़ किया गया है। जो 24 सबसेक्शन 8 है CRPC का, उसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो असिस्ट द प्रोसिक्यूशन, तो ये वर्ड यूज़ किया गया है। और इस ये दर्शाता है कि जो प्राइवेट काउंसिल है उसका जो रोल है वो बिल्कुल ही लिमिटेड है। उसके बाद जो कोर्ट का कहना होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनका काम सिर्फ एग्री पर्सन की बात को रखना ही नहीं होता, बल्कि वो कोर्ट को असिस्ट भी करते हैं। और ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, और वो कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल है वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल बताया। और जो इसी CRPC 24 सबसेक्शन 7 के अंदर का प्रोविज़न भी बताया कि जो PP अपॉइंट किया जाता है वो कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होते हैं, और जो प्राइवेट काउंसिल हैं वो उनके केस को हैम्पर कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से जो प्राइवेट काउंसिल हैं उनके रोल को लिमिटेड किया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके साथ ही साथ ये चीज़ भी कहा कि जो सेक्शन 24 सबसेक्शन 8 है उसके अंदर असिस्ट वर्ड का यूज़ किया गया है, तो असिस्ट जो टर्म यूज़ की गई है सिर्फ वो असिस्टेंस दे सकते हैं, कि पूरे केस को वो जो नहीं रख सकते अपने पास। अगर वो पूरे केस को अपने पास रखेंगे तो वे एक पैरेलल प्रोसिक्यूशन डेवलप हो जाएगा, तो वो कहीं से भी जो लॉफुल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो लास्ट के अंदर इसके अंदर ये फाइंडिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने, जो बोला कि हाई कोर्ट का जो डिसीज़न था वो बिल्कुल करेक्ट था। इसी के साथ ये जो अपीलेंट की अपील को डिसमिस करते हुए ये कहा कि फाइनल इसके अंदर यही निकल के आया कि कोई भी स्टेट केस है उसके अंदर जो प्राइवेट काउंसिल अगर कोई विक्टिम करना चाहे तो वो प्राइवेट काउंसिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट कर सकता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन या इन सब के अंदर ओरल आर्गूमेंट्स नहीं कर सकता। अगर कोई रिटन आर्गूमेंट है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बना करके दे सकते हैं, और जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सही समझेगा तो वो सबमिट करेगा, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है उस केस को पूरा हैंडल करने की। तो इसमें कहीं से भी हम प्राइवेट काउंसिल को अथॉरिटीज़ दे करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पावर्स को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करना, ताकि ये और लोगों को भी काम आ सके। और ऐसा 498 और 406 के केसेस में भी इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्रिमिनल केस है और CRPC जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनके लिए होती है। सिर्फ 302 के केस के लिए नहीं, ये सभी क्रिमिनल केसेस के लिए ये जो जजमेंट है वो काम आने वाली है, आप यूज़ को कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।